रोज सवेरे कांपते हुए बाहर आना और अग्निदेव की शरण में बैठ जाना अब मेरी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। और आज वायु ने कुछ ऐसा रुख मोड़ा कि अग्नि का सारा धुआं मेरी तरफ हो रहा। अब इससे पहले कि ये धुआं चुपके से मेरी आंखों से आंसुओं को बाहर बुला ले, मैं ही अंदर चला जाता हूं। पढ़ने बैठा तो माजी ने बोला कि 3 सीटी में गैस बंद कर देना। अब मुझ पर पढ़ाई से ज्यादा कुकर का प्रेशर था और जैसे ही 3री सीटी बजी मैं भाग के गया और दौड़ के गैस बंद कर दी। पढ़ते पढ़ते सो गया और फिर नींद खुली तो देखा कि लेट हो गया है। फिर मैं दौड़ते हुए भागा ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जहां मेरा स्वागत स्वयं वानर राज ने किया। शाम को बतियाने बैठे मेरे ये गुप्तचर पता नहीं आपस में क्या बातें कर रहे थे। अचानक से बड़ी जोर से गानों की आवाज सुनाई दी तो हम लोग सभी गेट के बाहर भागे और देखा उत्तरायणी कौतिक का प्रचार हो रहा है। फिर ढोल को तापने की प्रक्रिया हुई और उसके बाद जो माहौल बना है। मेरा भी नाचने का बहुत मन था लेकिन इतनी सारी भीड़ को देखने के बाद मैंने अपनी ख्वाहिश का गला घोट दिया और रात भर पश्चाताप करता रहा कि अगर 4 लोग देख भी लेते तो क्या हो जाता।